हेलो फ्रेंड्स, आदा किचन में आपका स्वागत है। आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान और जल्द से जल्द बनने वाली रेसिपी है। आइए शुरू करते हैं। 200 ग्राम उबले आलू को बारीक किया गया है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक है ये। 7 से 8 हरी मिर्च है, 2 मीडियम साइज प्याज है, लहसुन की कलियाँ हैं देख सकते हैं 12 से 15, और प्लस थोड़ी सी अदरक ली है। 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच। आटे को देख सकते हैं गूंद लिया गया है भली भांति, और इन सभी को अच्छे से बारीक कर लिया गया है, और सभी को मिक्स करेंगे, एक मिश्रण अच्छा सा तैयार करेंगे। सभी मसाले भी ऐड करेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो चम्मच की भी मदद ले सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर दिया गया है और मिश्रण ये बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने जो आटा गूंदा है उसकी लोई ली है, मीडियम साइज़ की है। हाथ की मदद से थोड़ा सा आकार देंगे इसका, और तैयार किए गए मिश्रण को इसमें चारों तरफ फैलाएंगे। यहाँ पर मैंने लोई के हिसाब से 3 चम्मच मिश्रण लिया है, 3 से 4 चम्मच लिया जा सकता है, और हाथ की मदद से इसे चारों तरफ से कवर करेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं शेप दे दिया है, और अब हाथ की मदद से दोबारा से इसे रोल करेंगे अच्छे से, और रोल करेंगे इसके रोलर की मदद लेके एक अच्छा सा मीडियम सा आकार देंगे। और अब यहाँ पे मैंने तवा जो कीचे गैस पे रख दिया था, और तवा मतलब गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम रखी है, और अब हम हल्के से तेल में इसे फ्राई करेंगे चारों तरफ से, और दोनों साइड से करेंगे। 3 से 4 मिनट्स का टाइम लगेगा। दोनों साइड इसे हम अच्छे से सेकेंगे, देख सकते हैं। भली भांति यह हमारा आलू का पराठा बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम अलग कर लेंगे, सेम ऐसे ही दूसरे भी बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं 3 से 4 पराठे मैंने यहाँ पे बनाए हैं और आपको बना के बताया है बहुत ही आसान तरीके से। जल्द से जल्द बनने वाली ये रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।